यूपी के बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक बस को पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों लोग घायल हैं। ये भीषण हादसा राम सन्नेही घाट के पास अयोध्या लखनऊ हाईवे पर हुआ है। बस हरियाणा के पलवल से बिहार जा रही थी। बस में मजदूर सवार थे जो बिहार लौट रहे थे। बस में लगभग 140 यात्री सवार थे, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई है। ये हरियाणा के पलवल से आ रही थी गाड़ी, वहाँ पे हिसार और पलवल में इसमें यात्री चढ़े थे। काफी दो बसों के यात्री एक ही गाड़ी में वहाँ बैठा दिए गए थे। उसके बाद वो जा रहे थे, ये बिहार जा रहे थे। बिहार के कई जिलों के इसमें यात्री थे जो जा रहे थे। और उसके बाद इसका कुछ दूर पहले एक बार टायर पंचर हुआ था, उसको रिपेयर करके ये लोग आगे बढ़े। तो यहाँ पे पुल के पास इनका एक्सेल जो है गाड़ी का वो टूट गया, और करीब 7-8 बजे के करीब, और तब से ये गाड़ी खड़ी थी। और उसके बाद पीछे से एक ट्रक आया रात में करीब 12 बजे, और उससे एक्सीडेंट हुआ, जिसमें लगभग 11 लोग की डेथ हो चुकी है और 15-16 लोग घायल हैं, सीरियस इंजर्ड है। सभी को मेडिकल एड के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया है, और बाकी पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। क्रेन मंगा करके गाड़ियों को हटाया जा रहा है, और उसके बाद बाकी कार्रवाई की जा रही है। ये मौके पे जो बताया जा रहा है कि लेबर टाइप के लोग थे, कौन? हाँ, ये पंजाब में हरियाणा में काम करने गए थे, जो किसानी का काम करते हैं, बिहार के मजदूर के रूप में थे, और वो लोग गए थे। उसके बाद वहां से लौट के आ रहे थे, तो दो एक बस में कुछ लोग बैठे थे, दूसरे बस में पलवल में कुछ लोग बैठे थे। तो दोनों बसों के यात्रियों को एक ही बस में कर दिया गया था, और वहां से ये लोग जा रहे थे अपने बिहार घरों को जा रहे थे। कितने लोग इस बस में सवार थे? लगभग 100 के करीब अभी बताए जा रहे हैं, बाकी अभी वेरीफाई किए जा रहे हैं। तो 300 के से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं कि इसमें बैठे हुए थे लोग, और इसमें काफी लोग। आज रात्रि में जनपद बाराबंकी रामसनेही घाट में हाईवे पर एक दुखद घटना हुई। लोग बस के नीचे अभी भी दबे हुए हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा जारी है। उसके साथ साथ कई लोगों की डेड बॉडी निकाला जा चुका है। इस प्रकार कुल अभी तक की जानकारी के हिसाब से लगभग 18 लोगों की मृत्यु तो हो चुकी है। इस दुखद घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस सक्रिय होकर हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं कि इनको सही चिकित्सा की सुविधा मिल जाए, और बाकी शेष कार्रवाई भी की जा रही है। पीएम मोदी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। सीएम योगी ने मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की। फिलहाल सभी घायलों को बाराबंकी और लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, और मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। न्यूज़ डेस्क।